गौरवी वर्मा, वेलकम बैक टू माई चैनल गॉड्स प्लान। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे बेबी आर्यवीर का वार्डरोब। सबसे पहले मैं आपको टॉप से बॉटम तक इसकी आउटर लुक दिखा देती हूँ। मेरा बेबी बॉय है तो मैंने मोस्टली उसकी सारे चीज़ें ब्लू कलर में ही ले रखी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के रेड या पिंक कलर यूज़ नहीं कर सकते, मुझे पर्सनली ये कलर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपने बेबी के लिए ब्लू कलर का थीम चूज़ किया है। ये कस्टमाइज अलमीरा है और इजीली मूवेबल है। जब ये घर पे आया तो हमने खुद ही इसे असेंबल कर लिया था। आप देख सकते हैं इसके सेंटर में लॉक सिस्टम अवेलेबल है। आप देख सकते हैं अलमीरा का इनसाइड भी ब्लू है और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये रिमूवेबल रोड है। इसे आप अपनी नीड के हिसाब से सेट या रिमूव कर सकते हैं और ये जो शेल्फ है ये भी रिमूव हो जाती है। इस अलमीरा में 5 शेल्व्स हैं और लास्ट में एक शू रैक बना हुआ है। मैं सेक्शन बाय सेक्शन आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से आर्यवीर के सामान को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ये फर्स्ट सेक्शन है, इसमें मैंने आर्यवीर के कुछ टॉयज रखे हुए हैं। अभी मैंने आर्यवीर के कपड़े हैंगर में नहीं लगाए हुए क्योंकि वो सिर्फ 6 मंथ का है और कपड़े भी बहुत छोटू छोटू से हैं। जब वो बड़ा हो जाएगा तो रोड में हैंगर हैंग कर सकते हैं। यहाँ मैंने आर्यवीर की जीन्स रखी हुई हैं, ये डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होती। ये आर्यवीर की फुल स्लीव्स टी शर्ट्स हैं और यहाँ मैंने रखी हुई हैं घर पे पहनने वाली हाफ स्लीव टी शर्ट्स, ये डेली बेसिस पे यूज़ होती है। और ये कुछ कुर्ता पजामा सेट्स रखे हुए हैं, गर्मियों के लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल है। मेरे पास एक न्यू सेट भी पड़ा है जो अभी तक मैंने ओपन नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा बड़ा साइज़ था, नेक्स्ट मंथ तक आर्यवीर को फिट आ जाएगा। ये इस तरह के कुर्ता पजामा है। अगर आप अपने बच्चों को शाम को घुमाने के लिए बाहर लेके जाते हैं तो आप तब भी इसे पहना सकते हैं या फिर आप इसे एज ए नाइट सूट भी यूज़ कर सकते हैं। ये हैं आर्यवीर की कुछ फुल पजामास, आप इसे लोअर भी बोल सकते हैं। समर्स में तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस दिन बारिश हो, ठंडा मौसम हो या फिर रात को बेबी ने एसी में सोना हो तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये है थर्ड सेक्शन, ये भी डेली बेसिस पे यूज़ होता है। यहाँ मैंने आर्यवीर की घर पहनने वाली शॉर्ट्स या कैप्रीज रखी हुई है। जब हम आर्यवीर को घर पे डायपर नहीं पहनाते तो हम इन शॉर्ट्स का यूज़ करते हैं, ये भी बहुत ही कंफर्टेबल है। हैंकी तो बच्चों के पास जितने भी हों उतने ही कम हैं क्योंकि ये तो डेली बेसिस पे ही यूज़ होते हैं। यहाँ आर्यवीर की डेली पहनने वाली वेस्ट रखी हुई है और ये एक एमरजेंसी के लिए थर्मामीटर है क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद मोस्टली बेबी को फीवर आता है तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। और ये आर्यवीर की एक छोटू सी गोगल, उसके बड़े मम्मा उसके लिए लेके आए थे। उन्हें एक्सेसरीज का बहुत ही ज़्यादा शौक है, इन फ्यूचर में आपको और भी एक्सेसरीज देखने को मिलेगी। लॉकडाउन की वजह से हमने कुछ ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि कहीं आना जाना तो होता नहीं है। यहाँ एक लॉकर भी बना हुआ है, अभी तो ये खाली है, फ्यूचर में आर्यवीर अपना पर्सनल सामान यहाँ पर रख सकता है। और ये है फोर्थ सेक्शन, यहाँ पे आर्यवीर के टावल रखे हुए हैं। आर्यवीर के पास 2 टावल हैं, इन्हें हम अल्टरनेट डे पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बिब्स,
अगर आपने आर्यवीर को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है तो आपने ये देख रखी होंगी। नेक्स्ट है सिर पे बांधने वाला रुमाल। जब भी हम गुरुद्वारा विजिट करते हैं तो आर्यवीर यही पहन के जाता है, और ये एक रोम्पर सेट की तरह है, जॉनसन बेबी की किट से निकला था। जब आर्यवीर बॉर्न हुआ था तब हमने ली थी, तब तो सर्दी थी, अभी आर्यवीर ने सिर्फ एक बार ही पहना है। और ये धूप में पहनने वाली हैट है। यहाँ पे सारा ग्रूमिंग का सामान रखा हुआ है, जैसे कि मसाज ऑयल, शैम्पू, शावर जेल, पाउडर, फेस क्रीम, और ये है एक सैनिटाइज़र। मसाज ऑयल या फिर एज ए हेयर ऑयल यूज़ करने के लिए कोकोनट ऑयल। आर्यवीर की मसाज के लिए मोस्टली तो हम देसी घी ही यूज़ करते हैं जो घर पे बना हुआ हो, लेकिन कभी कभी कुछ चेंज के लिए कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर लेते हैं। देसी घी एज ए मॉइस्चराइज़र तो काम करेगा ही, लेकिन ये बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये एक मैंने ट्रैवल किट टाइप बनाई हुई है, जैसे कहीं जाना हो तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लॉकडाउन में तो हमें कहाँ जाना है, बुआ या फिर नानी के घर ही जाना होता है। और ये है जॉनसन्स के कॉटन टच हेड टू टो शावर जेल। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, इसे यूज़ करने के बाद स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाती है। नेक्स्ट है बेबी शैम्पू, लोशन, और ये हैं आर्यवीर की फेस क्रीम्स। हमने आर्यवीर के लिए जॉनसन्स की दो किट ली थी, एक यो रेगुलर वाली है और एक कॉटन टच। और नेक्स्ट है आर्यवीर की फेस क्रीम, ये है मामाअर्थ की। इसके बाद आता है फिफ्थ सेक्शन। यहाँ पे है आर्यवीर का डायपर बैग, डायपर्स और कुछ पैक्ड बॉक्सेस पड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, देखिए आर्यवीर का डायपर बैग भी ब्लू कलर का ही है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मैं अलग से आपको डायपर बैग की वीडियो बना के दिखा सकती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। और यहाँ आर्यवीर के कुछ मेडिकल फाइल्स पड़ी हैं, जिसमें वैक्सीनेशन कार्ड या रेगुलर चेकअप की फाइल है। और ये जो पैक्ड बॉक्सेस हैं, इनमें कुछ बड़े साइज के कपड़े पड़े हुए हैं। शू रैक में भी आपको कुछ ज़्यादा वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी मेरा बेबी सिर्फ 6 मंथ का ही है और कहीं आना जाना तो होता नहीं है। लॉकडाउन जो लगा हुआ है, हमने भी कुछ ज़्यादा शू के लिए शॉपिंग नहीं की है, लेकिन इन फ्यूचर आपको बहुत सी एक्सेसरीज आर्यवीर की देखने को मिलेगी। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो।